अलवर प्याज मंडी में आज भी मैं आपका स्वागत करता हूं डेली न्यूज के साथ। मेरे सामने रुद्रदार भाई साहब खड़े हैं। आज अलवर मंडी में कितनी गाड़ी है? दो गाड़ी है। और माल की बिक्री कैसी है? बिक्री ठीक हो रही है। बाजार महंगा है। हाँ, बाजार क्या रेट खुला आज? 4.5 से 5 हज़ार। और मौसम भी लगा आज खुला है? हाँ, मौसम भी खुला है। और हमारे महाराष्ट्र शायद में तो कह रहे हैं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, महाराष्ट्र में ज़्यादा, वहाँ भी नुकसान हो गया। हाँ, नुकसान हो रहा है। और इसकी रिपोर्ट हो सकता है किसान लोग दें, मतलब क्या नुकसान हुआ है? हाँ, नुकसान होगा सब जगह नुकसान। हाँ, और प्याज अगर हम किसानों को कहेंगे थोड़ा सा आराम से लाएं। आराम से लाएं, जितने रुक के लाएंगे उतने महंगे बिकेगा। हाँ, उतना ही महंगा बिकेगा। चलो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम दूसरे व्यापारी के पास। ये मेरे पास व्यापारी खड़े हैं पप्पू खान जी। आज आपने क्या रेट खोला है? 4,500 से लेके 5,000। आप तो ये वैसे बता रहे हो आज आपकी लास्ट गाड़ी है क्या? लास्ट गाड़ी है, बाकी ग्राहक आ रही है एक गाड़ी और माल लाने के लिए। एक गाड़ी कब लग जाएगी आपकी गाड़ी? आज वहाँ फोन कर रहे हैं गुजरात। हाँ, तो 4 दिन लग जाएंगे गाड़ी आने। 4 दिन और लग जाएंगे। हाँ, तो मतलब अभी बीज आता रहेगा मंडी के अंदर? आता रहेगा, अभी ग्राहक ज्यादा बढ़ रही है। पहले जो प्याज सब खराब हो चुकी, हमारे यहाँ से जमींदार प्याज लगा रहा है। तो आपने भी रेट खोला आज 4,500 से लेके 5,000 के बीच में खोला है। और ये आपकी वैसे तो ये कल की गाड़ी होगी? हाँ, कल आई थी। हाँ, कल आया। तो मतलब तीसरा हिस्सा बिक चुका है, मतलब तीन चौथा हिस्सा, एक चौथा हिस्सा बच गया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये अलवर प्याज मंडी के बाद मैं इस टाइम अनाज मंडी में हूँ। और इस टाइम दोस्तों बाजरे की ज़बरदस्त आवक हो रही है अलवर मंडी में, बाजरे और कपास की। साथ में मेरे सामने एक किसान खड़े हैं। भैया ये अपना नाम बोलना। ओम प्रकाश जाट। ओम प्रकाश जाट, गाँव कौन सा अपना? हल्दीना। क्या ला मंडी में भाई साहब? बाजरा ले रहे हैं। बाजरा कितनी बोल ले क्या? 30 बोरी। तो क्या रेट बिका अपना? 1,150 रुपये का। मतलब मंदा बिका, क्या बात है? मतलब क्या गीला था, क्या था? सब आयल बिना पर कसु भावी डाउन ऊपर सुई मार्केट में है। अच्छा, और लैब, वैसे लैब भी जांच हुई थी उसकी? हाँ, लैब जांच हुई थी। तो 19% आल थी। 19% आल थी, तो मतलब इतनी आल होने पर भाव कम रहता है। वैसे ऊंचा भाव क्या था अंदाजा में? ऊंचा भाव सर यहाँ पे 1320 बिका एक का। बस 1320 ही बिका, और कुछ थोड़ा है आप? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। चलते हैं हम दूसरे किसान की और भाव पूछते हैं दोस्तों दूसरे किसान के पास। और ये किसान बैठे हैं। भैया आप क्या लेके आए अनाज मंडी में? बाजरा। क्या रेट भी क्या भाई साहब? 1200। और मतलब आपकी भी क्या गील कितनी आई है? 20% है। 1200 का बिका है दोस्तों। ये सामने बाजरे की ढेर लग रही है, 1200 रुपये क्विंटल बिका है। और बाजरे के अलावा और कुछ चढ़ा है? गाँव कौन सा बताया अपना? डहरा। आपने प्याज वगैरह बोई है क्या? प्याज में कैसा कोई नुकसान है क्या? है थोड़ा। और आपके एरिया में कैसा प्याजों में नुकसान है? कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। कहीं कम है, चलो ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों मेरे सामने एक हमारे आड़ती बैठे हैं, सतीश चंद, योगेश चंद फरम है इनकी। और इनसे पूछ लेते हैं आज बाजरे के रेट। राज बाजरे का भाव 1,250 बेचा मैंने। आपने 1,250 बेचा, मतलब ऊँचे में क्या रेट है अगर सूखा बाजरा? ऊँचे में 14-14.5। और ग्वार का क्या रेट है? ग्वार का भाव 5,800। ग्वार 5,800। और ग्वार चना चने का भाव हो गए 5,100 है। और गेहूं? गेहूं का भाव है 1,880। और कपास आई है अपने पास? कपास हमारे, वैसे आइडिया क्या रेट है कपास का? आइडिया ये है कि 5,500 से लेके 6,500। और बाजरे में क्या रोग आ रहा है क्या? बाजरा मतलब गीला आ रहा है क्या? गीला। और कलर भी शायद काला आ रहा होगा थोड़ा बहुत? कलर से वो नहीं है, लेकिन गीले की वजह से भाव कमजोर भी, गीले की वजह से भाव कमजोर होता है। ठीक है दोस्तों, इस टाइम वैसे बाजरे की बंपा हवा हो रही है अलवर में, और थोड़ा सा गीला होने के कारण भाव कम है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।